जिस तरह से एक बच्चे को माता पिता की आवश्यकता होती है, एक अज्ञानी को ज्ञानवान की जरूरत होती है, एक रोगी को एक डॉक्टर की जरूरत होती है, छोटे देश को बड़े देश की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस कमजोर जीव को शक्तिशाली ईश्वर की आवश्यकता होती है। कोई भी कमजोर बिना शक्तिशाली के शांत नहीं रहेगा। ये जीव के साथ हर तरह की कमजोरी है, इसको बंद कर सकते। ये जीव के साथ, हमने सुबह बोला था अगर आपको याद हो, हाँ, स्वभाव की कमजोरी है, प्रारब्ध की कमजोरी है। शक्तिशाली क्या करता है कि आपके उस दिशा में जहाँ पे कमजोरी है वहाँ पे आपको, जहाँ आप गिरने वाले होते हैं वहाँ आपको उठा लेता है। जो काम आपसे अकेले नहीं हो रहा है वो कहीं न कहीं से आपको करवा देता है। जैसे बच्चे के साथ माँ होती है तो माँ बच्चे को गिरने नहीं देती, जब बच्चा खा नहीं पाता तो उसको अपने हाथ से खिला देती है। कभी कभी बच्चा कपड़ा नहीं पहन पाता तो माँ अपने हाथ से कपड़ा पहना देती है। जीव के साथ ऐसा ही है। भक्ति मतलब ईश्वर से संबंध की अनुभूति होना। फिर से बोल देते हैं, कैसे पता कि हमारा किसी के साथ संबंध ज्यादा गाढ़ा है गहरा है? बोलिए, किसी के साथ संबंध गहरा है ये कैसे पता लगता है? चलो ठीक ही है, और है? नहीं, कैसे पता कि स्मरण संबंध गहरा है? दो चीज, एक तो जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत अश्योरेंस रहता है कि अगर हम उनको बुलाएंगे तो वो काम कर देंगे। आज हमको बुखार है तो जब हम लोग को बचपन में बुखार होता था तो बड़ा अच्छा लगता था। जानते हैं, दो कारण, एक तो स्कूल छूटा, बचपन का स्कूल हमको बिल्कुल नहीं पसंद आता, नाइन्थ क्लास के बाद पसंद आया, नाइन्थ क्लास के पहले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और दूसरा फायदा ये हुआ कि घर के सारे लोग, हाँ, स्पेशल मम्मी जी, पापा जी, मामा जी, जिसको पता लगे वो कुछ नहीं, हल्का सा फ्लू है लेकिन माहौल ऐसा बना है, मम्मी से बस इतना बोल दो, मम्मी आज तबीयत बहुत खराब लग रही है, इतनी घबरा जाती थी, बोले क्या हो गया, तुम बैठो तो हम तुम्हारे लिए दाल का सूप ले आते हैं, ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, उठो मत तुम, अरे बहुत गर्म हो गया, पट्टी रखते हैं। किसी के साथ संबंध जब होता है तो आप उसके साथ बहुत अश्योर्ड रहते हैं कि जरा सेन को आप शांत करिएगा पीछे, किस नहीं है, वो चलेगा चलेगा, आप बैठे आप बैठे, कोई गया, हाँ ठीक है, कोई गया है ना। किसी के साथ संबंध होता है तो आपके पिछले अनुभव से लगता है कि नहीं, इन्होंने हमको जब जब बुलाते हैं तब तक बड़े प्यार से आते हैं, हमारा 10 साल का अनुभव इनके साथ रहने का है, कभी हमें इनसे ऐसा कुछ नहीं मिला कि हमें तकलीफ हो, क्योंकि आदमी के रिपीटेड एक्सपीरियंस से
एक कन्फर्मेशन होता है कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है. रिपीटेड एक्सपीरियंस. एक आश्रय बुद्धि रहती है. और दूसरा संबंध का लाभ होता है कि आपके स्मरण में सुख रहता है उसके साथ. प्रेम मतलब सुखात्मक स्मरण, रसात्मक स्मरण, आनंदात्मक स्मरण को ही प्रेम बोलते हैं, है ना. ईश्वर के साथ जब संबंध होता है तो आपके जीवन में जितनी भी कमजोर एरिया है, चाहे स्वभाव की हो और चाहे वो प्रारब्ध की हो, हम आपको दावा देते हैं कि भगवान उसको आगे पीछे ठीक कर देते हैं. आप मत बोलो कि हमारा भाग्य खराब है. भाग्य खराब है तो आप भगवान का नाम लो, पाठ करो, पूजा करो, बहुत अच्छा भाग हो जाएगा. कम से कम आपको दुख नहीं देगा वो भाग्य. और इसीलिए भक्ति नवधा भक्ति बताया, नौ तरह के भाव होते हैं. श्रवणम आपने सुना है, शायद आपको याद हो गया हो. याद अगर हो गया हो तो आप कल तक सुना दीजिएगा हमको. कल सुना देंगे पंकज जी. चलिए बहुत बढ़िया. पानी चाहिए क्या आपको? पानी दो उनको, यही पानी दे दो. हाँ नहीं, अच्छा गोली ले ले, चाहिए तो ले लीजिएगा. पक्का? अच्छा ठीक. श्रवण जो है भगवान के स्वभाव प्रभाव स्वरूप को बताता है. कीर्तन जो है जयकार प्रधान है. स्मरण जो है ममता प्रधान है. पाद सेवन तव प्रधान है, तवास्मि हम तुम्हारे हैं. अर्चनम जो है नमः प्रधान है. वंदन स्तुति प्रधान है. दास सेवा प्रधान है. भैया ये पानी दो इनको. दास जो है सेवा प्रधान है. पानी पीजिए आप, ठीक हो जाइएगा. जो सख्यम है, सख्यम, सख्यम जो है शेयर या आदान प्रदान प्रधान है. और आत्मनिवेदनम समर्पण प्रधान है. आएगी आत्मनिवेदनम में बात, ठीक है. बोले तो सुने ही नहीं. एक भाव को मजबूत करना चाहिए. ये नहीं कि कभी हमारा भाव पति का है भगवान कृष्ण के प्रति, कभी सखा का हो गया, कभी जो है कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया. एक भाव को बनाना चाहिए. क्योंकि रोज रोज अलग अलग भाव करेंगे तो भाव पक्का नहीं होगा, कच्चा हो जाएगा. अगर रोज आप एक गुरुदेव के पास, कोई पॉलिटिशियन आया सिद्धवाड़ी में, कई बार पार्टी बदला उसने, गुरुदेव ने बोला इफ यू चेंज द पॉट ऑफ द प्लांट वेरी फ्रीक्वेंटली इट कैन नॉट टेक रूट. अगर आप बार बार किसी पौधे को उसका गमला बदलेंगे तो उसकी जड़ें गहरी नहीं होंगी. उन्होंने तो तेज से बोला, हम जरा धीरे बोल रहे हैं. मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के. तो एक भाव आप भगवान के साथ, वो हमारे भाई हैं, गुरु हैं. किसी ने कहा भगवान राम हमारे साले हैं, समझ गए. सीता जी बहन थी और कभी वो अयोध्या नहीं गए. वृंदावन में रहते थे. बहुत नाराज अयोध्या वालों से, आप समझ गए होंगे क्यों. बोले हमारी बहन को इन्होंने ऐसा बोला, हमारी सती सती पवित्र बहन को इन्होंने ऐसी शब्द बोले, हम कभी जाएंगे नहीं वहां पे.
इतना दृढ़ भाव था। एक जने का भाव था कि राम हमारे शिष्य हैं, कभी राम जी की फोटो ऊपर नहीं रखते थे, हमेशा जब नीचे रख एक तखत पे खुद बैठते तो नीचे भगवान राम रहते थे। पंडित लोग बहुत नाराज हुए, डांट दिया एक दिन, उनको मंदिर ले गए। वैसे उन्होंने माला पहनाया, भगवान का सर नीचे हो गया, वो टेढ़ा अभी भी सर, वो एक मंदिर है वहाँ पे अयोध्या में, उसका सर टेढ़ा है ऐसे। आप जो भी भाव रखिए, मीरा ने पति का भाव रखा, आपको पता होगा, रात रात भर भगवान से बात करती थी और भगवान ने उनको आलिंगन किया द्वारका में, जब वो गई मूर्ति में समा गई, ऐसा बोलता है। भाव का बहुत बड़ा फल आता है, ये नहीं कि कौन भाव अच्छा, अच्छा सारे भाव है, आपका दृढ़ता कितनी है उस भाव में। एक जने थी, एक अम्मा थी, वो जो है बाल भगवान को मानती थी, मेरा भगवान बाल भगवान, बाल गोपाल जिसको बोलते हैं, है लड्डू गोपाल, रोज जमुना स्नान करें, जाड़े में जमुना स्नान ना करें जब बहुत जाड़ा हो गया। तो शुड़ियावा आश्रम में गई, बाबा ने कहा क्या हुआ अम्मा, गंगा जमुना स्नान नहीं करो ये आजकल? बोले नहीं, दूध ठंडा हो जाएगा हमारा, हमारे स्तन का दूध ठंडा हो जाएगा, गोपाल को सर्दी लग जाएगी। ये भाव है, आप कुछ ही भाव बनाइए, हमें कोई इसमें इतराज थोड़ी ना है। कंस ने शत्रु का भाव बना दिया, रावण ने शत्रु का भाव, सो नहीं पाते थे लोग, इतना तीव्र भाव था। कोई लोग भाई मानते हैं हनुमान जी को, गणेश जी को कई लोग भाई मानते हैं, हनुमान जी को भाई मान लेते हैं, सुना होगा आपने, कोई लोग गुरु मान लेते हैं। तो उस रूप में आएंगे, उस रूप में भगवान आ जाएंगे, आप मत सोचो कि नहीं आएंगे। आप रोज भगवान को भोजन कराओगे तो भूखे रहेंगे, मांगेंगे आपसे। इसीलिए पुष्टि संप्रदाय वाले हैं, पुष्टि संप्रदाय सुना, नाथ द्वारा गुजरात में काफी है, बल्लभ है, वो लड्डू गोपाल के सामने हमेशा कुछ खाने के लिए रखे रहते हैं, जिससे कि भगवान को भूख लग जाए। छोटे भगवान हैं, बच्चों को तो पता नहीं कब भूख प्यास लग जाए, तो हमारे में भी रखे रहते हैं, क्योंकि वहां लड्डू गोपाल है ना, प्यास लग जाए भूख लग जाए। और कभी भी आप उनसे मांगते नहीं है, वृंदावन में तो वहाँ आशीर्वाद देते हैं, भाई खूब बड़े हो जाओ, खूब शादी ब्याह हो तुम्हारा, हमारे जीवन का कष्ट हम ले, सुख हमारे जीवन का तुम ले लेना, कभी मांगते नहीं, बोले बच्चे से क्या मांगना। भाव बढ़ाते बढ़ाते बढ़ता है, एक दिन में भाव नहीं बढ़ता है, एक गहरा भाव बढ़ाते बढ़ाते बढ़ता है, और भगवान उस रूप का अनुमोदन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वरना हम लोग के पास तो समय है नहीं, नरसिंह भगवान आए नहीं, एक दिन का समय बहुत कम है, लेकिन क्या करें। अब जब प्रहलाद जी की इस बात को हिरण्यकश्यपु ने सुना, पीछे तक सुनाई पड़ रहा है ना, अच्छा इस बार तो बहुत ही नाराज हो गया वो, बहुत नाराज, और खूब कस के डांटा, किसको ना, उनके गुरु को। बोले गुरु पुत्रम उवाच इदम रुषा स्फुरित अधरा, उसका ओंठ कांपने लगा, इतना कस के डांटा, चिल्लाया, बोले तुमने ऐसी शिक्षा दिया उसको, तुम ही विष्णु के कोई रूप हो, तुमने क्या किया है, तुम्हारे शत्रु का काम कर रहे हो कि हमारा काम कर रहे हो। गुरु पुत्र ने कहा भाई देखिए, पहली बार डांटी मत आप, हमने पूरी तरह समझाने की कोशिश किया इसको,
ना मत प्रणीत ना पर प्रणीतम, ना हमने समझाया ना किसी और ने इसको समझाया है, ही इज अंडर स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। बोले फिर कहां से बुद्धि आ गई इसकी? नई सग नई सर्ग कियम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्म मानः। बोले इसकी नैसर्गिक बुद्धि, हमने बोला था ना बहुत गहरा प्रेम किसी का गुरु के प्रति है तो पिछले जन्म का है, बहुत गहरा। अब बहुत गहरा प्रेम किसी भगवान के प्रति है इस जन्म का इकट्ठा हो। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर है तो इस जन्म प्रैक्टिस कर करके कोई सिंगर नहीं बना इस जन्म में, मिडिल क्लास तक पहुंच जाएगा, अच्छा तक हो जाएगा। हाँ, अगर आप ट्राई मत करिएगा तो अगर इस चरण में शुरुआत करो तो आप थोड़ा सा अच्छे तक पहुंच जाओगे, समझ में आ जाता है कि आदमी कहाँ का है। या कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, कोई गणित में बहुत अच्छा है, सुनते होंगे आप चाइल्ड प्रोडिजी होते हैं, 10-10 साल के भी प्रोफेसर होते हैं, हमने सुना भी है। नहीं नहीं चेस में नहीं, सब्जेक्ट में 12-13 साल के प्रोफेसर होते हैं, आपको पता है। जब आपको क्लास 7-8 में होना चाहिए, वो ग्रेजुएट पढ़ाते हैं, पीएचडी कर लिया उन्होंने, उसको बोलते हैं चाइल्ड प्रोडिजी। वो शायद किसी सब्जेक्ट में हो, गाने में हो, तबले में हो, सितार गिटार में हो, तो आपको मानना पड़ेगा कि तो पिछले जन्म से लेकर आया है। यू विल बी स्टन्ड टू सी दैट। कितने ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हम आपको क्या बताएं, यहां भी बाहर भी। स्टूडेंट सब बहुत ही बड़े, वो बच्चा छोटा सा टीचर बन जाता। तो कहीं बहुत गहरा है भाई। गुरुओं ने कहा कि भाई देखिए इस हिरण्यकश्यपु जी, आप तो जरा मन शांत रखिए, ठंडा पानी पीजिए, ये लड़का परेशान कर रहा है, लेकिन हम क्यों कर रहा है हम नहीं पता। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, भाई सुनो प्रहलाद, देखो हम तुमसे साफ साफ बात कर रहे हैं, गुरुणा एव प्रतिप्रोक्तम भूय आहा सुरासुतम न चेत गुरुमुखियम ते कुता भद्रा सतीमती। अगर गुरु ने ऐसे नहीं बताया तो तुमको बुद्धि आई कहां से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, ये सब बात हमको बता रहे हो तुम गजब आदमी हो, 4-5 साल के हो तुम, छुटंके से हो तुम। उसके बाद प्रहलाद जी ने थोड़ी सी डांट लगा दी, उनको नहीं लगाया, इन जनरल सबको बताया। और 30वें श्लोक में थोड़ी सी प्रहलाद जी की कुछ बातें डांट की तरह है, आपको सुनना पड़ेगा, असली डांट तो भी आने वाली है, हम ही डांटेंगे, हम बस जो एग्जैक्टली बोला है हम उसको थोड़ा और अच्छे से बता देंगे, अपनी तरफ से हम कुछ जोड़ेंगे नहीं। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्ये तग्रह व्रतानाम अदांत घोबिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बोले संसार के लोग, इनडायरेक्टली तो उसी के लिए बोला था एक्चुअली, हाँ नहीं नहीं इनके लिए, एचके के लिए इनडायरेक्टली। बोले संसार के लोग ग्रह व्रतानाम, इनका नाम है ग्रहव्रती, ये क्या करते हैं? अदांत गोभी भी, इनकी इंद्रियां तो नियंत्रण में है नहीं, चर्वित चर्वण, ये चबाए हुए को चबाते हैं, जो भोग कर चुके हैं फिर से वही बार बार वही भोग करते हैं। बोले इसमें नुकसान क्या आ रहे हैं? बोले चले आज जो है चाट फिर खाते हैं, जो खा चुके हैं हजारों बार और जवान की चटकार लगा चुके हैं उसको फिर खाएंगे। आइसक्रीम है तो वो फिर चाहिए, वो फिर पिक्चर देखते हैं, कई बार तो वही पिक्चर लोग कई बार देखते हैं, मूर्खों कमी नहीं है। वही सीरियल फिर देखते हैं, वही यूट्यूब फिर देखते हैं, मतलब क्या? मतलब मन इतना अनियंत्रित है कि बार बार उसी भोग की डिमांड करता है।
भाई आप जैसी सप्लाई करोगे वैसा डिमांड हो जाएंगे। अब 4-5 दिन सत्संग की सप्लाई हुई यहां, परसों आप देखिएगा अपना मन क्यों, बोलिए ना, ठीक कह रहे हैं ना, परसों आप सुबह शाम देखिएगा आपका मन क्या मानता है। आप जाइएगा घूमने, लेकिन वहां भी आपको लगेगा यार सत्संग कहाँ चला गया यार, क्योंकि आपने वही आदत डाली मन की, एकदम से ब्लैंक सा हो जाएगा माइंड। आई होप आई एम एबल, लगेगा क्या लॉस्ट हो गया, क्या सब चला गया, क्या यार, क्योंकि सप्लाई वही हुई। सिगरेट रोज पीजिए, एक माइंड डिमांड करेगा, वो रोज रात में संध्या वंदन करिए आप बॉटल लेकर। आपने वो खोला वो बॉटल, डाला कर, तो इतना सा डाला, ऊपर से और डाल दिया पानी, थोड़ा सा आइस भी डाल लिया, वो आइस बॉक्स से, आइस बॉक्स बोलते हैं ना उसको, चिमटा से, टोंग से क्या बोलते हैं उसको, हाँ उससे निकाला, और आप ले रहे हैं एक चुस्की, बस थोड़ा सा नमकीन उमकीन रखे, मूंगफली रखे, ले रहे हैं। 2-3 दिन आपने लिया, ज्यादा नहीं लिया, अब चौथी रात वही मांगेगा मन, जिंदगी भर लोग लेते हैं, फिर लीवर में सिरोसिस हो रहा है, जितना हो रहा है, लेकिन वो लेंगे। भोगे हुए को बार बार भोग रहे हैं, बोले नुकसान क्या है, सुनिएगा नुकसान, इंद्रिय की जब डिमांड होती है तो इंद्रिय बुद्धि पे पर्दा डाल देती है। तो आपने सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, क्या नहीं सही है, इसका फल क्या है, ये जो आपके अंदर बढ़िया डेटा था ना, वो सब उड़ गया। जो आपके पास एक बहुत अच्छा, जो सत्संग से आपने जानकारी इकट्ठा किया था, इट इज ऑल बर्न फॉर अ मोमेंट, एज इफ हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि हम कभी सत्संग सुने ही नहीं थे। और घर वाले बोले यही सब सुन के आए हो, तो तुम गए 7 दिन, सुना था तुमने भागवत वगत सुनने हो, तुम यही सुने हो क्या, कौन यही स्वामी जी सिखा है, अलग स्वामी जी की बदनामी अलग। देखो हम कैसे, हम तो बिल्कुल सत्संग नहीं सुनते, देखें हम तो पांच तरह नहीं बोल रहे, यही तुम्हारे गुरु ने बताया है, यही तुम्हारे भगवान ने बताया है, यही तुम पूजा करते हो रोज। देखो हमको किसी को कुछ बोल मत, हम वहां हमने क्या किया, देखो 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 देखो, देखो अपने मुंह को देखो, वो सुन के और गुस्सा लगते। जब इंद्रिय अनियंत्रित होती है तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावमी बांबसी। गीता में बोला जैसे वायु नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे अगर हमारी इंद्रिय विषयासक्त है तो हमारी बुद्धि को, हमारे हित अनहित को, ये काम गलत है, इसका फल ये आने वाला है, ये सब खत्म हो जाता है। आई मीन आई एम एज गुड एज एनिमल, समझ रहे हैं। तो लोगों को लगता भी है कि इतना अच्छा आदमी है, पता नहीं कैसी हो गया ये, कहां तो इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, कहां तो इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, इतनी अच्छी बात कर रहा था कल, अभी क्या हो गया उसको, उस समय ब्लैकआउट हो गया उसका। बोले भाई गुरुदेव, जो ऐसे संसारी लोग हैं, किसी के बताने से या खुद, इनकी बुद्धि कृष्ण में नहीं लगती, ये ग्रहव्रती हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि पे बार बार पत्थर मार दिया, पत्थर मार मार के भोग किया है, भोग करने की, अधिक भोग, देखिए नियंत्रित भोग तक चलता है, लेकिन अधिक भोग करने के लिए आदमी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको मूर्ख बनना पड़ेगा। बिना मूर्ख किए बहुत भोग नहीं हो सकता, क्योंकि आप बुद्धि को दबाते हैं, आपने जो सुना है समझा है, यू हैव स्टॉप शट अप, और फिर हम भोग करते हैं। भोग को प्रसाद बनाए तो शायद उससे हमारा
कल्याण हो, नियंत्रित भोग हो, शास्त्रानुकूल हो और प्रसाद रूप हो, तो बुद्धि हमारी कम से कम ठीक रहेगी। किसी व्यक्ति से आप तभी मानते हैं जब वो सही समय पे सही बात सोचता है, सही बात बोलता है, उसके जजमेंट में एक बैलेंस दिखता है। बोले वो उनकी बात, उनसे पूछो क्या क्या करना है, वो सही बताएंगे। बोले ये तो दिमाग इनका पता नहीं क्या गड़बड़ है। न ते विदुः स्वार्थ गतिम, बोले ऐसे लोग अपना हित नहीं जानते। बहिर अर्थ मानिना, इनके लिए बाहर की ही चीज सबसे बड़ी होती है। जब तक, और फिर बोला उन्होंने, किसने? प्रहलाद जी ने। देखो 4 साल के हैं ये सब बात बोल रहे हैं। जब तक कि कोई अपनी बुद्धि का महात्मा के धूल में स्नान नहीं करवाता, महीयसाम पाद रजो अभिषेकम, महात्मा के पास जाओ, महात्मा के चरण की धूल में स्नान करो। समझ गए क्या मतलब है? क्या मतलब है? महात्मा के चरण की धूल में स्नान का मतलब है उनके सामने बहुत छोटे बन के सेवा करके रहो, सुनो, उनकी आज्ञा में रहो, विनयी रहो। थोड़ा जैसे डॉक्टर इंटर्नशिप के लिए जाता है, बड़े डॉक्टर के साथ रहता है, सीए बड़े सीए के साथ रहता है, वैसे हम भी जो हैं किसी के साथ रह के 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल रह के फिर अपने अंदर के दोष को हटाएं। बोले अच्छा, हमारे गुरुजी सुबह उठ गए, हम तो सो ही रहते पैर फैला के चिमटा की तरह। चिमटा मतलब समझते हैं ना, चिमटा जैसे पकड़ते हैं, हाँ, ऐसे करके पैर फैला के सो रहे थे। कुछ लोग सोते हैं, दृश्य देखने लायक रहता है, ऐसा लगता है कि महाभारत लड़ाई हुई है, हाँ, रजाई कंबल सब नीचे रहता है, जैसे दौड़ने की मुद्रा है ऐसे। घर में देखा होगा आप लोग ने, मतलब रजाई जी सब बाहर, सब पीठ पाट के फेंक दिया, तकिया बाहर, सर ऐसे है, हाँ, और वो जो है एक पैर इधर एक पैर ऐसे है, ऐसे दोनों पैर ऐसे है। और गुरुदेव जो है हमारे उठ गए, ये थोड़े ना गुरुदेव उठाए, उठो। जब कोई खर्राटा लेके सो रहा हो, उसको उठाया जाए, तो उसका एक स्पाइक आता है खर्राटे में। नॉर्मल तो ऐसे है, अब उसको बोलो उठो, ये स्पाइक। अब ये गुरुदेव है, अब तो जब हम रहेंगे उनके साथ तो जरा सा टाइट रहता है शेड्यूल, सतर्क रहता है मन, बार बार बोलेंगे गीता सुनाओ। हम तो कितने महात्मा के पास गए, उन्होंने कहा गीता सुनाओ, कोई भी अध्याय सुनाओ, बिना देखे सुना दो। सुनाया, खुश हो गए, मतलब बहुत बढ़िया। एक महात्मा के पास बैठे थे, पैर दबा रहे थे, उन्होंने कहा बिंदुनाथ कलातीत तस्मै श्री गुरु गुरुवे नमः, इसकी व्याख्या करो। अब जो पता था बोल दिया, तो बोले वाह मजा आ गया, एक बात हमने ऐसी बोली, उनको कहा बस बहुत बढ़िया। वो तो महात्मा के पास रह के सतर्क रहना पड़ता है, अहंकार को नीचे रखना पड़ता है,
एक हमारे स्टैंडर्ड्स हर चीज में बढ़ने लगते हैं। घर में नहीं आते, घर में सभी देर तक सो रहे हैं, सभी ज्यादा खा रहे हैं, सभी बक 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 कर रहे हैं, सभी टीवी खोल के देख रहे हैं, तो घर में बच्चे का आइडियल नहीं बन पाता एक। और स्कूल कॉलेज में तो और खराब हालत है, वहां से वो लैंग्वेज सीखते हैं, गाली गलौज सीखते हैं, स्लैंग सीखते हैं, इंटरनेट देखना सीखते हैं, ऊट पटांग साइट देखेंगे। वो तो किसी महापुरुष के साथ रह के विनयी हो गए, परेशान मत करना, वो भगा देगा अपने को, जैसे कहे वैसे रहो नहीं तो भागो। वो अकेले बहुत खुश, उसको डिस्टर्ब मत करो, अगर डिस्टर्ब करो तो भाग, शिक्षा मत ही रहो उसके साथ, नहीं तो उसका पाप लगेगा, अलग से और पाप लगेगा। लिखा हुआ है जब उसके साथ रहोगे तो पढ़ाएगा लिखाएगा, रोज पूछेगा जब किए कि नहीं किए, पूजा किए कि नहीं किए, तुम क्या पाठ करते हो, क्यों नहीं करिए तुम, हम तो गए किसी आश्रम में, 15 साल की उम्र होगी, 14 किलोमीटर चल के गए, कह सुनो तुम आज जप किए कि नहीं, हम कह नहीं, बोले जाओ जाओ जप करके फिर आओ, बोले आओ लेकिन जप करके आओ। ऐसी बहुत सी चीजें पता चलती है जो कि हमें ना अखबार से पता चलती है, हम किसी के साथ हर जगह हम उद्दंड से रहते हैं, अनकंट्रोल से रहते हैं, कभी भी गए खाना खा के गए, चिप्स रखा है वही खाना शुरू कर दिया, पूरा पैकेट खत्म हो गया, मूंगफली रखी पूरी मूंगफली खत्म, अभी लंच हुआ है, अभी अभी लंच से आए पूरी मूंगफली खत्म कर दी, फिर बोले बहुत नमकीन हो गया कुछ मीठा हो जाए, फिर मीठा खा लिए 5-5 गुलाब जामुन, फिर लगे बहुत ही मीठा लग रहा है, तीखा बीकानेर का है ना, बीकानेर किया ना, नमकीन लाई कि नहीं बीकानेरी है, अच्छा जयपुर से आ रही है, बीकानेरी तो बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में नमकीन के लिए, फिर वो हो जाए, फिर ऐसे बैठे रहे कमर तोड़ते रहे ऐसे ऐसे कर, फिर ऐसे तोड़े जैसे ये कुत्ता होता है ना, कभी आपने देखा होगा, डॉग देखा, वो भी ऐसा तोड़ता है, देखा होगा आपने ऐसे करता है, तो ऐसे हम भी तोड़े ऐसे ऐसे करके, ऐसे करे हर 2 मिनट में, एक लगाना चाटा लगाना चाहिए हमेशा के लिए, उबासी चली जाएगी इसकी, सो जाके नालायक कहीं के आश्रम में से डांट पड़ जाती है, क्लास में अगर कोई उबासी ले लिया तो हो गई उसकी छुट्टी, बाहर जाओ। हम लोग उस सिस्टम में पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं आपसे, सीधे बैठो, हम लोग से बोला जाता था जो कई साल तक कोई ऐसे के संग में रहेगा तो नेचुरली एक फाइन हो जाएगा, उसकी फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी, नियम का पक्का, उठने में पक्का, सोने में पक्का, वाणी ठीक हो जाएगी, तुमने वो शब्द क्यों बोला था उसके सामने, अलग से बुलाया जाएगा उसको, आइए आप मिलिए अलग से हमसे, आधे घंटे का प्रवचन मिलेगा, आप रोइएगा ही कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ तुम लिखो श्री राम जय राम जय जय राम 1000 बार जाओ, उसके बाद खाना खाना। बोले हमको पेट में दर्द होने तो मर जाओगे ना, तुम्हारी अर्थी फेंक देंगे, यहां तक सुना है हमने, अपने लिए नहीं किसी को बोला गया ऐसा, फिर प्यार भी मिलता है, गले भी लगाते हैं, जब भी बताते हैं एक एक बात समझाते हैं, मन के कोने कोने में जाके, बुद्धि के कोने कोने में जाके उनकी सेवा से वो प्यार करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, कि हम उनके संकल्प में आते हैं, उनकी प्रार्थना में आ जाते हैं,
बिना प्रार्थना में आए काम नहीं बनता कि भाई देखो आया है ये बहुत मेहनत किया। महीयसाम पाद रज अभिषेकम निष्किंचिनानाम न वृणीत यावत। अल्लाह जी बोल रहे हैं खुद ऐसे ही उन्होंने भी किया इसलिए कह रहे हैं। ये सुनकर तो अब थोड़ा ज्यादा हो गया, हिरण्यकश्यपु के लिए टू मच हो गया। बोलते ना टू मच हो गया, एक शब्द है बोले टू मच हो रहा है आजकल। वो जो चिल्लाया और भूमि पर पटक दिया उसने अपनी गोद से। बोलो रामायण की चौपाई आ रही हमारे मन। हाँ, खल के प्रीति जता थिर नाही। तुलसीदास बोलते हैं जो खल होता है उसका प्रेम स्थिर, थोड़ी सी बात पे बड़ा प्यार आ जाए, कहां रो रहा था भाई। भाव में स्थैर्य रखो ना, स्टेबिलिटी रखो। बोले जाओ इसको मारी डालो, देखो मारने की बात हो गई। हम जिसने इसको चाचा को मारा उसी के चरण में उसकी पूजा करना चाह रहा है। देखते हैं इसको विष्णु कितना सहायता करता है। 5 बरस का है लेकिन अपने माता पिता के उसने वात्सल्य को भुला दिया, बहुत नाराज हुआ। अब आप एक को एक बात सुनाते हैं। पूरे ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में था हिरण्यकश्यप, लेकिन एक द्वेष और क्रोध नहीं नियंत्रण में था, सुख नहीं था। इंद्र ब्रह्मा सब लोग इनके पास आते थे, ऐसे करता था ऊपर से सामग्री गिर जाती थी, ऐसे देखता था इच्छा करके सोना चाहिए तो समुद्र सोना दे देता था। बोले बारिश नहीं होगी आजकल, सूर्य रुक जाओ, चंद्रमा रुक जाओ, इतनी गति थी हिरण्यकश्यप की। और इतना द्वेष, इतना गुस्सा, गुस्सा जिसके होगा वो शांत रहेगा। गीता में तो गुरु गुस्सा को नरक बोला है। बोलिए श्लोक है? पहली लाइन क्या है? नहीं नहीं, तो तीसरे अध्याय का है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। बोली ये नरक के द्वार है। इतना गुस्सा आ गया उसको, मतलब बाहर की तो इतनी ही इज कॉन्करर और अंदर के मन को कोई कॉन्कर नहीं किया। मन के जीते जीत है मन के हारे हार, सुना होगा आपने। मन ही नहीं अच्छा है तो आपके पास लहर लग्जरी क्या फर्क पड़ता है, उस लग्जरी से क्या फायदा है जिससे आपका मन कंट्रोल नहीं है। अब जो है अब वही सब बात आती है। हाथी से उसको मरवाया गया, सांप से कटवाया गया, जानते होंगे आप, पानी में डाला गया, बर्फ में डाला गया, समुद्र के अंदर डाल के पत्थर डाला गया जिससे कि फिर से ऊपर न उठ जाए। लिखा है परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फला आसन अपुण्यस्य सत्क्रिया। 41वां श्लोक, 41st। वो शांत, हमने बोला था ना एक वृत्ति जिसकी बहुत ज्यादा रहती है बहुत जल्दी आ जाती है, वो अब जाती नहीं है। कल भी ये बात बोली थी, एक वृत्ति वो परे ब्रह्म की वृत्ति में स्थिर थे कि हम असंग हैं और कुछ नहीं हो रहा था। जिसको भगवान बचाएगा उसको क्या। सुबह भी हमने शायद बोली थी सर्वशक्तिशालीता ईश्वर का धर्म है। हाँ, केदारनाथ के पीछे अगर वो शिला आ गई बड़ी वाली, देखा कि नहीं, दर्शन हुआ कि नहीं आपका शिला का, हुआ जो 2013 में जो त्रासदी हुई थी वो पूरा टेम्पल उड़ जाता,
पूरा केदारनाथ साफ हो गया था, एक एक धर्मशाला वहां की चली गई, एक एक दुकान चली गई। और इतने हम तो छोटे थे कि छोटी मोटी शिला होगी, बहुत बड़ी कम से यहां से लेके वहां तक की शिला है वो। और वो शिला पता नहीं कहां से लुढ़कते पुड़कते आई और एग्जैक्टली पीछे रह के बचाई, इन्हीं की तरह इधर लेफ्ट हो गई है, लाइट रह गई है। अब लोग उसकी पूजा करते हैं उस शिला की। हिंदू लोग तो बढ़िया है, मौका मिला नहीं तो चंदन आरती अगरबत्ती हर जगह शुरू हो जाता है। अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा। वो है कोई ऐसा, हमने सुबह ही एक बात बोली थी, तृणम अपि वज्र वज्र कर्तुम इच्छा शक्नोति। वो छोटे से तिनको तिनके को बहुत भारी बना देगा, बहुत भारी को तिनके की तरह हल्का बना देगा। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिसके मन में बोले कोई सहारा नहीं है हमारे पास, आपने अपना सहारा खुद रख लिया, तो भगवान कहते हैं चलो भाई, कोई हमारे पास आया बोले हमको आप खाना खिला दीजिए, हमने कहा हम ना खिलाएं, तो बोले उनसे मांग लेंगे, अगर आप नहीं खिलाएंगे तो उनसे भी मांग लेंगे। उसके बाद हमारी खिलाने की इच्छा कम हो गई, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हमने कहा उनसे मांग लो बाद में देख लेंगे। एक ने कहा खाना खिलाइए, हमने कहा ना खिलाए को, बोले हम बैठे रहेंगे, जब आप खिलाएंगे तभी खाएंगे। हमने कहा रात हो जाएगी दो चार घंटे, बोले हो जाए। अब उसको लेके हमको इच्छा बहुत हुई कि भूखा ना रह जाए भाई हमारी वजह से। जब किसी के पास ईश्वर आश्रय रहता है तो ईश्वर के अंदर तीव्रता आ जाती कि इसको बचा के रखो, इसका कोई सहारा नहीं। अब बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, बहुत फेंका गया, पहाड़ से पीटा गया, बड़े बड़े हाथी आए और पैर से मारे वो हाथी को फ्रैक्चर हो गया, बड़े बड़े सांप आए सांप से डसवाया गया दांत टूट गया सांप का, सांप डेंटिस्ट किया गया। आपने होलिका का सुना होगा कि अग्नि ठंडी हो गई, हाँ होलिका जल गई, वो ठंडी हो गया, वो चुपचाप बैठे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, वो यही चांट कर, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो। मस्त। ये नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पिता हो कि इतना हमारा अपमान कर रहे हो, ये सब सोचोगे तो तुम भगवान को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तुमको। जब तुम गुस्से में रहोगे, अपेक्षा करोगे, दूसरे का दोष ढूंढोगे, झगड़ा करोगे, सब जगह भिड़ जाओगे सबसे, इनकी शिकायत उनसे करोगे, उनकी इनसे करोगे, तो तुम्हारे पास भजन का समय कब मिलेगा? कोचो तुम तो एकदम बेकार हो गए। आपको एक मौका मिला था भगवान की वृत्ति को, हमने कितने बार बोला आप एक वृत्ति को जब तक पक्का नहीं करेंगे तब तक आपको बचाने वाला अंदर से कोई नहीं रहेगा। पूरी जीवन एक वृत्ति पक्का करने में लगा देना चाहिए। हिरण्यकश्यपु बेचारा, उसने कहा ये तो क्या करें, उसको एंजाइना अटैक आ गया। हिरण्यकश्यपु तो अभी हार्ट अटैक आने वाला है बाद में, ये एंजाइना अटैक है, तो बेचारे का मुंह लटक गया। अच्छा लिखा है, हम नहीं बोल रहे कुछ, हाँ लिखा है
किंचित मान श्रियम अधोमुखम। 48वें श्लोक, 48 श्लोक। अब अच्छा बताओ, इतनी संपत्ति, पूरी पृथ्वी का मालिक, स्वर्ग का मालिक, इंद्र का मालिक, अग्नि, आकाश, सब वश में, दुख नहीं गया। दुख तो ज्ञान से ही जाता है जी, एक दिन बोला था हमने, शुकम तरति आत्मवित। तो शुक्राचार्य जी के जो दो बच्चे थे ना, संडन मर्क, उन्होंने कहा भाई आप क्यों इतने, why are you feeling so low? Let's have some cappuccino coffee. It is mood lifter. हाँ, वो mood lift करेगी आपका, जो cappuccino, ऐसा सुना है हमने। हाँ, कुछ आप डार्क चॉकलेट खाइए, cappuccino coffee लीजिए, जरा आप इंस्पायर हुई, why are you giving up so soon? इसको समझाएंगे ना हम, कहे ठीक है तुम लोग समझाओ, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा है, हमें डर ये लग रहा है हमको ना मार दे, हो ना हो यही हमारा कारण हो मृत्यु का, ग्लूकोज वाटर ले आओ थोड़ा। अब इन लोग चले गए, अब इनको पढ़ाया गया फिर से प्रहलाद जी को। तो प्रहलाद जी ने सब बच्चों को एक दिन इकट्ठा किया, ते तू तद गौरवात सर्वे त्यक्त क्रीडा परिच्छदा बाला न दूषित दिया। 56 श्लोक। वो सब बच्चों को बुलाया और ये जो बात प्रहलाद जी ने बोली बहुत ही सुंदर है, लेकिन बस एक ही गलती है इसमें, जानते हैं क्या है? हाँ, बहुत कस के डांटा है कहीं कहीं, हम सबको डांटा है, कहिए तो इसको लें, कहिए तो छोड़ दें, क्योंकि डांट सुनना पड़ेगा फिर कुछ, हम नहीं बोल रहे हैं, आपको हम श्लोक नंबर बता देंगे, आप उसको जाके देख लीजिएगा एग्जैक्टली उन्होंने जो बोला है, हम अपनी तरफ से कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत कठोर शब्द बोला उन्होंने। हाँ, खास तौर से जो बहुत लोग आसक्त हैं बच्चों से, पोते पोती से, नाती नतनी से, हाँ नतनी जो है हथनी या पत्नी से, वैसे से, तो उनकी जो फटकार लगाया है, ये सब संत हैं तो उनको अधिकार है चिल्लाने का। भाई माता पिता गुरु लोगों को, तीन लोगों को अधिकार दिया गया है कि आप डांट सकते हैं हमको, क्योंकि उनके मन में हित की भावना है, वो कोई द्वेष से नहीं डांट रहे, वो प्रेम से ही डांट रहे। चलिए देखते हैं क्या है। पहला श्लोक बोले भाई देखो, कौमारे आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम लो जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोले बचपन से ही भजन शुरू कर देना चाहिए। बोले क्यों? अरे पता नहीं कब खत्म हो जाओ, कितने बार यंग लोग खत्म हो जाते हैं और उसी परिवार में वृद्ध लोग जीवित रहते हैं, जिनको जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, जिनको नहीं जाना चाहिए वो चले गए। यमराज भी, उनको पहले उठाना चाहिए था, वो महाराज जीवित हैं, दूसरे वेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा था या युवा था ये चला गया। इसीलिए प्रहलाद, देखो भजन मतलब करना क्या, तीन बात, अंतकरण शुद्ध करके सबकी सेवा करके आशीर्वाद लेना, नंबर दो भगवान के साथ संबंध गाढ़ा करना, नंबर तीन सत्संग करके आत्मज्ञान प्राप्त करना, इन तीन चीज का ही नाम भजन है। आप जो कुछ करिए, सेवा करिए, भगवान की पूजा करिए, जप करिए, ध्यान करिए, कहीं ना कहीं अंतःकरण की कामना कम हो जाए, वीपी डीपी केपी कम हो जाए। बोले क्या था? याद नहीं है वीपी क्या था? हाँ, और डीपी वासना प्रेशर, डीपी डिजायर प्रेशर, कर्म प्रेशर, पीपी फल प्रेशर, और पीपी विल टेक टू वीपी अगेन। ये सो अंदर जो अशुद्धि है ना, हमारे पास अच्छी कार ही नहीं। अच्छा, मर्सिडीज लेने का मन था, मर्सिडीज ही नहीं मिली हमको, इतनी महंगी है मर्सिडीज, हमारे पास 2 लाख है, पता नहीं मर्सिडीज कितने की है हमें पता नहीं, 15-20 लाख की, और
40 लाख। अच्छा 40-50 लाख हैं। अच्छा लेकिन अपने पास 2 लाख अब 2 लाख से तुम बाइक खरीद लो, टू व्हीलर मिल जाएगी, 2 व्हीलर तो मिल जाएगी 2 लाख में शायद, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर, स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। देखो उनके पास, बगल वाले गुप्ता जी के पास है, शर्मा जी के पास है, वर्मा जी के पास है, श्रीवास्तव के पास है, बंसल के पास है, ये कमी है पागल, पता नहीं क्या भाग है हमारा, इतना दुर्भाग है, कार अच्छी नहीं है। इसी को अशुद्धि बोलते हैं। मूड जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसि वित्रेष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चेत्तं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। बोले हमारी वाइफ हमसे कुछ खाने ही हमको नहीं देती, एक दिन अच्छा खाना नहीं बनाया उसने जब से शादी हुई, एक दिन। अच्छा तब इतना ओवरवेट हो कहीं अगर अच्छा खाना बनाए तो क्या हाल होता तुम्हारा। एक दिन उसने ये नहीं कि अच्छा खाना हमको बना के दिया, हम बता रहे हैं ऐसी पता नहीं कहां से पत्नी हमको मिली है। देखो यही सब आदमी अपने प्रारंभ से ऐसे पिकअप करता है कुछ कुछ चीज। आपका जन्म अपने मन को निष्काम बनाने के लिए हुआ है, निरपेक्ष बनाने के लिए हुआ है, निरहंकारी बनाने के लिए हुआ है, उसी का नाम भजन है। चाहे आप जप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए, संतों के पास जाइए, गुरु नहीं मिले तो संतों के पास ही जाइए। प्रहलाद जी बोले बच्चे बच्चा है, बच्चा है, बच्चा अच्छा कुछ नहीं, चच्चा है ये, बच्चा नहीं, कुछ दिन में चच्चा हो जाएगा ये। बोले एक बात बताओ, हम संक्षेप करना चाह रहे हैं, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगेन देन। कभी बीमारी होती है ना, भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा देखिए हम इलाज कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आपका कैंसर है 4th स्टेज का, हम पूरी कोशिश करते हैं। इन डॉक्टर के पास गए, उन गए, एम्स में गए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए, हाँ पहले वेदांत में पढ़ते थे अब मेदांत में गए, एक मेदांत है एक वेदांत है, मेदांता, हाँ वहाँ गए, वेदांत नहीं समझ पाया तो वहाँ चले गए वहाँ हुआ है। और फिर आप क्या बोलेंगे, भाई क्या हुआ, क्या बोले कैंसर है लिवर का, कभी आप ड्रिंक करते, नहीं नहीं ड्रिंक तो कभी नहीं किया, छुआ तक नहीं, तब लिवर में फिर भी आपको कैंसर हो गया, अरे स्प्रेड कर गया, जरूरी नहीं कोई ड्रिंक करे तभी हो, कैंसर कहीं भी कहीं किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में कभी भी हो सकता है। और फिर आप क्या बोलते हैं, भाग गए। तो प्रहलाद जी बोले जब दुख भाग के कारण आता है और आप उसको हटा नहीं सकते तो सुख भी भाग से आ जाएगा, तो क्यों तुम इतनी मेहनत करते हो सुख प्राप्त करने के लिए। अगर आपके भाग में अच्छा भोजन लिखा है तो आप कहीं भी रहिएगा अच्छा भोजन आ ही जाएगा, अगर पैसा लिखा है तो कहीं ना कहीं से पैसा भगवान आपको दे ही देंगे, क्यों उसके लिए प्रयास करते हो। वो जो तुम एनर्जी है टाइम है इस डायरेक्शन में लगाओ, मन को ठीक करने में लगाओ, वासना को ठीक करने में लगाओ, भजन करने में लगाओ। तुम आदमियों के पैजामा, तुम तो हाफ पैंट के नाले वाले भी नहीं हो, तुम अजब आदमी हो,
तुम दुख के लिए बोलते हो प्रारब्ध नहीं आ रहा है, मैं कोई प्रयास नहीं, सुख भी तो प्रारब्ध वो भी आ जाएगा, आप परेशान क्यों होते हो, क्यों इतना एफर्ट करते हो पैसा लगाने में, क्यों इतना एफर्ट करते हो बड़े घर बनाने में, जितना इजिली हो जाए कर लो, ज्यादा इस दिशा में बहुत प्रयास मत करो, हमारा बस इतना ही कहना है। डोंट पुट टू मच एफर्ट इन टू ऑल दीज एरियाज, पुट एफर्ट इन द एरिया वेयर यू आर रिक्वायर्ड। फिर बोलते हैं ततो यतो यते कुशल क्षेमाय भयमाशित, इस आदमी को भय लगा रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भय बढ़ेगा, क्यों, गिरने का भय, कहीं फिसल के गिर ना जाए। अच्छा हाँ, कल हमारी मौसी जी गिर पड़ी, कहाँ, बाथरूम में, ये बाथरूम भगवान ने बनाए गिरने के लिए, और इंडिया में तो बहुत बढ़िया है, हर जगह पानी, हाँ जनरली होता है वेट एरिया ड्राई एरिया, तो कम से कम कुछ जगह ऐसी है जो कि ड्राई है, और टाइल्स भी जरा नॉन स्लिपरी टाइल्स होनी चाहिए, तो किसी किसी बाथरूम में इंतजाम होता है कि आप गिरें, स्लिपरी टाइल्स भी होती है, हाँ और कहीं वेट ड्राई का कोई सिस्टम ही नहीं, हर जगह पानी फेंक दो, मंदिर गए पानी फेंक दो, वो फिसल के गिरे, अच्छा हाँ वहाँ का डर है, ये हिप्स की बोन टूट गई, पहले माइंड ही क्रैक था, बोन्स भी क्रैक हो गई, अब वो क्रैक जोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं देखिए एज आपकी बहुत ज़्यादा है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, अब देखिए जैसे तैसे जुड़ेंगे, अब वो बेड रिडन हो गए, पहले स्कूटर रिडन थे, कार रिडन थे, अब बेड रिडन है, कितना अच्छा शब्द है, देखा होगा आपने परिवार में, हम कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं, बहुत से लोग गिरने से डरते हैं, बहुत से लोग ये डरते हैं कोई बीमारी ना निकल आए, बहुत से लोग ये डरते हैं बच्चे ना गड़बड़ कुछ कर दें, बोले करें क्या, करें क्या हम, ततो यतेत, बोले आप जो है भगवान के पास जाके, हमने शुरुआती इसीलिए ऐसा किया था कि जो फियर का एरिया है मेक इट डियर का एरिया, द फियर एरिया शुड, हमने कल जैसे हैंड डीलिंग और हीलिंग वाली बात बताई थी, जो फियर का एरिया है उसको डियर के एरिया बनाइए, भगवान के एरिया बनाइए, आप डरिए मत उसमें, जरा धीरे चलिए, खाने में बार बार पूछना पड़ता ये काहे का बना है, ये हाँ उड़द की दाल है, उड़द की दाल, दोनों हमसे नहीं हजम होती उड़द की दाल, मूंग है मूंग नहीं उड़द है, ये क्या है, ये चना है चना, इसमें आपको परेशान करने की बहुत काबिलियत है, इसका नाम काबली चना है, एक बड़ा वाला चना होता है, बड़ा वाले चने को यहाँ मिलता है, हाँ उसको बोलते हैं काबली चना, पता नहीं काबुल उबल से आया था क्या था उसके बाद प्रहलाद जी ने जो ठोकाई शुरू किया है, हम तो बहुत साधारण शब्दों बोलेंगे, आप जाके पढ़ लीजिएगा अक्षरशः, ये है श्लोक नंबर 6 से लेके करीब श्लोक नंबर 15-16 तक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला ये जो मनुष्य है ना ऐसा अनियंत्रित है, अधिकतर समय खराब कर देता है, वर्षण मान लो 24 घंटे उसके पास है, 6-7 घंटे तो सोया, 6 घंटे तो सोया, सुबह उठ नहीं पाता, ये भगवान ही उठाएंगे, सुबह तो उठ नहीं पाता क्योंकि रात में लेट सोया है, तो सुबह का जो एक क्वालिटी टाइम था शांत जिसमें प्रकृति सपोर्ट करती है आपकी साधना को, एकदम स्तब्ध वातावरण रहता है, वो इसने मिस किया, जिंदगी भर उसने नहीं उसको यूज किया, उठा सुबह इन्हीं के नहा वहा ले जाओ, पूजा कर ले, पाठ कर ले, सत्संग, हाफ पैंट पहन के घूम रहा है यहाँ वहाँ, अखबार पढ़ रहा है, बातचीत कर रहा है सुबह सुबह, मतलब 24 में से 6 घंटे ले रहे कि 7 घंटे जैसा बोलिए,
सोने के 7 घंटे कर लेते हैं, चलिए 7 घंटे सोने में चले गए। हाँ, 7 के बाद नहाने धोने कपड़ा बदलने, हाँ ये सब में करीब 1-2 घंटे चला गया, 9 घंटे चले गए तैयार होने। उसके बाद इंटरनेट देखने में, मोबाइल देखने में 1-2 घंटे वहाँ चला गया, 12 घंटे चले गए। ऑफिस ऑफिस जाना हो तो 6-7 घंटे, वहाँ बॉम्बे है तो 2 घंटे आना 2 घंटे जाना, छुट्टी हो गई। अगर बॉम्बे है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 17 घंटे 18 घंटे हो गए। फिर बैठ के टीवी देख रहा है, फिर बैठ के गपसड़ाका कर रहा है कि क्यों क्या हुआ, वो लड़की एक शादी नहीं हुई क्या बगल वाले की, मुन्नी की शादी नहीं हो रही क्या आजकल? नहीं नहीं, मुन्नी की शादी क्यों नहीं हो रही, वो लड़का आया तो था उनका वाला, हाँ वो आया तो था, नहीं वो पक्की हो गई थी, इंगेजमेंट हो गया, हाँ फिर टूट गई क्यों? है वैसे मुन्नी बेवकूफ लड़की, इसकी शादी नहीं हो तभी अच्छा है, अच्छा है लड़का बच गया। और वो कहाँ गए मौसा जी, कहाँ गए आजकल? हाँ हेलो मौसा जी, हाँ कैसे हैं? और हाँ 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 नहीं नहीं वो हो जाएगा, हाँ 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 नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस में तो हम ही चले जाते हैं। उन्होंने बोला हेलो, हाँ हाँ वो सुन रहे फोन में आ जाता है 45 मिनट, जो आपको मोबाइल फोन रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि कितनी देर बात किया, पानी की तरह से मैं बिहा दिया रात के 10 बज गए ना, नींद आ रही है, हो गया दिन, भगवान सूखे पड़े हुए हैं, मूर्ति पे धूल लगी हुई है, वस्त्र नहीं बदला गया है, भोग नहीं लगाया गया है, बड़ी सी मूर्ति शौक से खरीद के लाया है जयपुर से, बड़े शौक से खरीद के लाया है, मार्बल की मूर्ति, ऐसे करके भगवान वाले ना भोग लगेगा ना आरती दिखाई जाएगी, श्राप लगेगा मूर्ति का, आप आपको अपने घर में कोई ले आए खान खिलाए पिलाए नहीं, आपके साथ बैठे नहीं तो बुरा नहीं लगेगा आपको, लाए क्यों मूर्ति फिर? सुंदरकांड का पाठ कर लो, हैं सुंदरकांड का, हाँ लिया हाँ, जामवंत वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जब सब थक गए चूर चूर हो गए तब पूजा पाठ शुरू करते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे तुम्हाई, वने इतने संकट बनवाई, अब नंगिया वो सीते देखी हुई काई होई हर सुहे, यह कहना ही हर कहना था, पवन तनय संकट सुंदर कांड हनुमान चालीसा से कंक्लूड हो गया, ये कहाँ है? है सुंदर कांड में कहाँ है क्या पवन तनय संकट हरण? नहीं वानस पवन तनय जो उनके अंकल थे ना मैनाक, उनके लिए नहीं, ये मैनाक के लिए नहीं है, आप सोइए जाग गए। ऐसे रामायण खोले थे हाँ, ऐसे गिरा, जो रात में पाठ करते होंगे ना उनका जरूर गिरा होगा रामायण भागवत, और कभी कभी तो इतनी गहरी नींद में रहते पता मिलता कब गिरा, सुबह मिलता है नीचे पड़ा हुए, और जब फ्रेश टाइम था तो टेनिस खेलने गए थे, तब तो ये कर रहे थे, ये नहीं पता कि कुछ दिन में यमराज की हम ही बाल बनने वाले हैं।
ये पुनर्जन्म में ऐसे फेंकेंगे, टुक भैंस बन गए, टुक झिंगुर बन गए, टुक फिर अमेरिका में पहुंच गए, माइकल बन गए, साइकिल पे हैं। आपको बताएं, समय जाते समय नहीं लगता, जल्दी जल्दी समय जा रहा है। कब 50 साल हो गई पता नहीं चला, कब बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह होगा, आज तो दादी बन गए पता नहीं चला। लेकिन और सुनिए, अभी तो शुरुआत हुई है इनकी। हाँ, फिर लिखते हैं, मुग्धस्य बाले कौमारे क्रीडतो याति विंशति, जरया ग्रस देहस्य याति अकल्पस्य विंशति। वृद्ध होने पर फिर डॉक्टर के पास बैठिए। हाँ, डॉक्टर के पास गए, वहां 2 घंटे बैठेंगे, सत्संग में 1 घंटे में जान निकल जाएगी। वहां डॉक्टर साहब, भाई आप डॉक्टर के पास समय लगेगा थोड़ी ना कि आपको ले देख लेंगे सीधे। कभी डेंटल प्रॉब्लम है, कभी हार्ट की प्रॉब्लम है, कभी ब्लड प्रेशर चेक कराना है। भाई ब्लड प्रेशर तो हो गई, अब उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर डायबिटीज की चांसेस बहुत हाई हैं। इट इज नेचुरल नाउ, डोंट वरी, इट्स नॉट अ डिजीज, अब नेचुरल हो गया। डॉक्टर साहब का चेहरा बन गया, बोले एक मिनट इस हाथ से भी देख लेते हैं। डॉक्टर साहब कितना है, क्या कर रहे हैं आप, इट इज 190/110, बंद करिए नमक, मेडिसिन हम लिख रहे हैं खाइए, अभी सब तो होगा, ECG करवाइए जाके, ECG करवाए। हाँ, एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है उसको भी करवाइएगा, वहां समय लगाएंगे आप ट्रेडमिल टेस्ट में, डीलेक्स टेस्ट में, पूजा करने में नानी याद आ जाएगी। अभी और सुनिए, दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलियसा ग्रहे शेषम ग्रहेशु सक्तस्य, ढेर सारी कामना है। बोले एक घर बच्चे के लिए बना देते हैं, वहां पे इतना FD इनके लिए कर दिया, उतना FD उसके लिए कर दिया, एक जमीन वहां लिया। यही सब सपना होता है। ये पोता आएगा उसको सोने की चेन देंगे इस बार, उसकी बर्थडे में उसके सोने की चेन देंगे। अच्छा, हाँ पोता कितना बड़ा है, अभी 3 महीने का है, अंदर है अभी, अभी अभी 4 अभी पैदा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी कल्पना होती है, तो कैसे पता कि पोता है, पोती नहीं हो सकती। नहीं, हम भगवान से मना रहे हैं ना कि पोता ही हो, हालांकि वो जीवन में लीपा पोती करेगा, लेकिन फिर भी वो और सुनिए आगे, आगे तो बाकी है। को ग्रहेषु पुमान सक्तम, बोले ये जो घर है ना इसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। स्नेह पाशय द्रई बद्धम उत्साहे विमोचतम, इसको कौन छोड़ सकता है, क्यों? आहा, को नु अर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्यो पीच सईप्सित, पैसा इतना कमाया है कैसे छोड़े उसको। अरे क्या कुंडली मार के बैठे हो सांप की तरह, बच्चों को तो बिजनेस, अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, अभी भी ऑफिस जा रहे हो तुम, पापा जी घर में बैठिए, आश्रम जाइए, कैंप वैम जाइए। बोले कैंप में अटैच बाथरूम है कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, और कोई क्वेश्चन नहीं कि क्या टेक्स्ट है। हाँ, बोले इतनी तृष्णा है, बोले इतना पैसा है उस बैंक में, उतना है वो उसमें, क्या बोलते हैं, SBI में इतना है, और क्या HDFC है ना, HDFC में उतना है, 2 करोड़ तो HDFC में उसका इंटरेस्ट आ रहा है, और वहाँ पे SBI में 1 करोड़ है, और पंजाब नेशनल बैंक में 2.5 करोड़ है। हाँ, बंद हो गया पंजाब नेशनल, अरे भाई हमारा, हमारी बड़ी नॉलेज खराब, ICICI कर देते हैं, ICICI है ना, ये तो चल रहा है। हाँ,
अरे बाप रे, वो तो बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ तो पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ही तक ठीक है, अब वहाँ पैसा है। जो जिंदगी भर यही सब करा है, अब क्या इस समय उसका ध्यान लगेगा इसमें? और सुनिए, कौन अब फिर लिखते हैं, ये जरा सा अजीब सा है, हम बोल रहे हैं, आप चिंता मत करेगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। 11वां श्लोक, कथम प्रियायाः अनुकंपितायाः संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान। अपनी अच्छी सी पत्नी, अच्छा हाँ, और वो जो पत्नी है 11वें श्लोक वाली, हाँ, अनुकंपितायाः, उसकी प्रेम भरी, मान लीजिए पत्नी ऐसी मिल गई, चांसेस कम है, मान लीजिए मिल गई, सुनिए आप क्या लेंगे, ठंडा गर्म नहीं, कुछ मत दो ऐसा भी मत दो, ठीक है, पहले आप, हम एक शरबत बना देते हैं, किसका, बेल का शरबत बना देते हैं, बेल बहुत, पेट के लिए तो बेल बहुत ही फायदा है, रामदेव जी बोलते हैं, हाँ रामदेव जी ने बोला है, बेल का ठंडा पर्वत, और तब तक हम आपके लिए कॉफ़ी बना देते हैं, बेल के बाद कॉफ़ी, कोई बात नहीं, कुछ टाइम ले लेंगे, अच्छा ठीक, नहीं रहने दो, प्लीज़ 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 ओ डियर, वाइफ ने बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, जब आप ऑफिस चले जाते हैं तो ऐसा लगता है मेरा घर पूरा सुना हो गया, हाँ, और फिर उसने हाथ से हमें खिलाया कुछ, ऐसी पत्नी को कहाँ छोड़ पाओगे तुम, हम नहीं बोले, प्रहलाद जी बोले, छोटे होके इतना अनुभव उनको है, सूरज सूच स्नेह सीता शिशु नाम, फिर छोटे छोटे बच्चे, मतलब उनमें उनके साथ प्रॉब्लम नहीं, उनके साथ आ सकती है, उसमें प्रॉब्लम है कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हाँ घर से ऑफिस जाते हैं, सुनो जा रहे हैं, मान लो नहीं जवाब दिया, सुनो जा रहे हैं, उसने कहा ठीक है जाइए, फिर जाके फिर मैसेज करेंगे, हम ऑफिस आ गए, फिर लंच टाइम में फिर फोन आएगा, हेलो हाँ आपने खाना खाया, तो वो कद्दू की सब्जी अच्छी लगी थी, हाँ अच्छी लगी, उसके साथ मैंने अचार रखा था, अच्छा हमने तो सब्जी समझ के खा लिया उसको, तभी हमको लगा नमक ज्यादा करें, वो पराठा ऐसा था कि हमने सब्जी, हमें लगा ये सब्जी है कोई, तभी हमको लगा कि बहुत तीखा, ओ आई एम सो सॉरी डियर, आई एम सो सॉरी, वाइफ ने बोला, गलती इनकी थी, बोला वाइफ ने सॉरी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुनिए जल्दी आइए ना प्लीज, आई एम फीलिंग सो लोनली नाउडेज, हम कितने अकेले हो गए, देखो आज हमारे बॉस आ रहे हैं, उफ प्लीज आई लव यू सो मच, इन्होंने बोला ओके लव यू सो मच, ओके ओके डियर लव यू लव यू, अब इनको छोड़ के सत्संग कैसे आएंगे, यहां तो कोई बोलते नहीं लव यू, यहां तो सत्संग सुनो फिर थाली लेके जाओ खाना खाने, शंख चक्र गदा पद्म, फिर वापस आओ फिर वही सत्संग, और फिर ऐसी अच्छी पत्नी मिले तो प्रॉब्लम, ना मिले तो प्रॉब्लम, अच्छा पति मिले तो प्रॉब्लम, ना मिले तो आसक्ति में, क्यों ना मिले तो जिंदगी भर परेशान, मिले तो छोड़ मत देना, हमको छोड़ मत देना प्लीज प्लीज, छोड़ना मत हमको, ऐसे आदमी आसक्ति, उसको लगता है सारा सुख उसी में है, और फंसता जाता है फंसता जाता है फंसता जाता है फंसता जाता है, और एक दिन एक, समझ गए ना, हाँ राम नाम सत्य है सत्य है सत्य है राम नाम, अब जो दूसरा वाला ना वो बेचारा परेशान रहता है, बोले यहीं बैठ के हम लोग कॉफी पीते थे रोज शाम को, हम सब देखे हुए हैं, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको, अरे छोड़िए आप, चलिए कैसे छोड़ दे स्वामी जी, अरे तो कितना साल हुआ उनको, अरे 4 साल हो गया लेकिन हमसे भूला नहीं जाता भूला नहीं जाता, कितने साल आप लोग का साथ था, 59, अच्छा 59 साल, 59 साल साथ साथ रहे थे,
है? देख रहे हैं आप, अब वो बेचारा जो अकेला पड़ा है ना, उससे पूछिएगा चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अब खोया खोया सा अकेला। पूजा का संस्कार है नहीं, जप का संस्कार है नहीं, ध्यान का है नहीं, सत्संग का है नहीं, आए तो सो गए लुढ़क के। पहले तो टेनिस खेल रहे थे, अब हाथ पैर खराब हो गया, अब हाथ कांपता है, टेनिस क्या खेलें, अब तो हम वाइब्रेटिंग मोड में आ गए। बच्चे बच्चे अपने घर चले गए, साल में आएंगे एक बार आप किस मिलने के लिए, भाई विल आप कर दीजिए उनके नाम से, उनको तो विल से मतलब है आपके, जो SBI में यहां वहां रखा है उनके नाम से कर दीजिएगा, डोनेशन थोड़ी दीजिएगा आप कहीं पे कि कहीं अनाथालय में दे दें, मंदिर में दे दें। काते कांता कस्ते पुत्र संसारो यमतीव विचित्र कस्य त्वं कः कुतायात तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रात तदिह भ्रात। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधभिमान ग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़। कोई लोग ऐसे भी होते हैं बोलते हैं अच्छा हुआ कोई नहीं हमारे साथ है, स्वामी जी अब खूब चिंतन करेंगे भजन करेंगे, ना बच्चे हैं ना पत्नी है, आश्रम में आके रहेंगे। ऐसे भी लोग हैं, मैं सोचेगा कि ऐसे नहीं है, बोले हमें कोई आ सकते नहीं, बच्चे को हमने पढ़ा दिया 25 साल के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, पोते को लेके हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, पत्नी बहुत अच्छी भगवान की कृपा भगवान को सब जाए भगवान की सेवा करे, लेकिन लोग इतने जकड़े रहते हैं आप जानते होंगे। और सुनिए शिशु नाम कला अक्षरा नाम अनुरक्त चित्त, छोटे छोटे बच्चों के साथ दिन रात बेबी सिटिंग कर रहे हैं। भाई आपका बच्चा अमेरिका में, अब वो उसके पास मेड वेड तो है नहीं, तो आपको बोले मम्मी आ जाइए मम्मी आ जाइए, कौन बच्चे को देखेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों तो नौकरी करते हैं छोड़ तो सकते नहीं, अब इनकी आ सकती वो बेचारी खिले लू लो चला पाले मुन्नी नी नी। जिंदगी भर गधे बन के गृहस्थी के धोए, अब बंदर बन के उसको खिला रहे। हमने बोला था कठोर बात है, हालांकि ये नहीं लिखा ये स्टेटमेंट हमारी तरफ से, आप पढ़िएगा, आप बैराग का इतना ग्रंथ है ये भागवत, आपसे हम क्या बताएं, वो तो आपको सेलेक्टेड बता रहे हैं, टाइम भी पूरा हो गया। यहां लिखा हुआ है कि इस जीवन में औपस्त्य जह्वम बहुमन्य माना, जननेन्द्रिय के सुख और रसनेन्द्रिय के सुख को सब कुछ मान लिया उसको, आज पिज्जा मंगवाया है, आज गोलगप्पा आ रहा है बाहर से, स्विगी से ऑर्डर कर दिया है, स्विगी ठीक बोला ना, हाँ हाँ अब वहां से आ रहा है, अच्छा हाँ हॉट डॉग आ रहा है, बर्गर आ रहा है, बर्गर चीज बर्गर बनता है, चीज बर्गर इतना अच्छा होता है, उसके यहाँ इतना अच्छी कचौड़ी रहती है, कचौड़ी उसके साथ जो
लुटपुट सब्जी होते हैं आलू वाली, स्वामी जी ऊपर से मिर्ची डाल देते ऐसे ऐसे जो बस ऐसे खाओ तो वो समोसा जैसे उसके साथ जो खाते हैं ना समोसा गरम गरम है बस, और फिर पेट की समस्या। जो थोड़े से खाने से काम चल सकता था उसी में सारा समय निकल गया। फिर यहां बोलते हैं सर्वत्र तापत्रय दुखित आत्मा, कभी जितनी आसक्ति होगी उतने से हम अफेक्टेड होंगे। अब बच्चा है, बच्चे की पत्नी है, उसका भी बच्चा है, फिर उनके सास ससुर हैं, जो हमारी बेटी की सास बहुत बीमार हैं, इसलिए वो भी परेशान, इसलिए हम भी परेशान हैं, या तो ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, समझ गया ना, समझ गए ना, हाँ ना इधर है ना उधर है, नहीं मतलब क्या, नहीं अब समझ गया होंगे आप क्या बताएं, या तो इधर है तो उधर है, वो बेटी हमारी परेशान है, बहुत सेवा कर रही है, वो चिल्लाती रहती है दिन भर, आप देखने जा रहे हैं, अरे हम तो रोज ही देखने जाते हैं, आज हमारे बहुत सा दर्द कर रहा है भाई, बहुत चिंता हो रही है, क्या हुआ, अरे जो पोता था वो गिर गया स्कूल में गिर गया, अब हम ही को लेके जाना उसको डॉक्टर, क्या कल डॉक्टर क्या अपॉइंटमेंट है उसके साथ, वो कह रहा है बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं फ्रैक्चर उसको हो गया, बहुत गुस्सा आ रहा है, ताप लिखा है तापत्रय दुखित आत्मा निवर्तत निर्विद्यते न स्व कुटुंब रामा, इसका नाम है कुटुंब रामा, इसको कुटुंब में ही मजा आने लगा, हमने बोला था कि हम नहीं लेंगे तो आपने कहा नहीं आप ले लीजिए, हमने बोला था पहले ही, फिर बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट ले लेते हैं, आप तो मिलेंगे नहीं, हाँ बोले फिर बोलते हैं कि चाहे कोई जितना भी विद्वान हो, विद्वान अपीथम धनुजा कुटुंबम पुष्णन स्वलोकाय न कल्पते, यहाँ पे तो सारा समय अगर आप कर्म भी कर रहे हैं भगवान के लिए करो, एक ही जगह नजर रखो, लेकिन ये जो मूर्ख होता है बड़ी बाहर से विद्वान हो ये मेरा तुम्हारा इसके चक्कर में समय गंवा देता है और वासना बढ़ा लेता है, 20 साल में वासना कम थी 30 में ज्यादा हो गई, 40 में और चिंता बढ़ गई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है राग द्वेष बढ़ता जाता है, क्योंकि हमें ज्यादा लोग मिल जाते हैं हमारे रास्ते में, और ये जो है एक क्रीड़ा मृग बन जाता है, इसीलिए ततो विदुरात परिहृत दैत्याः दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, इसलिए तुम ऐसे लोगों का संग छोड़ो और उन महात्माओं के पास जाओ जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, वो भगवान की शरण में है, क्योंकि तुमको कोई चाहिए संभालने के लिए, तुमको रोज सत्संग सुनना पड़ेगा तभी तुम्हारा मन संभलेगा, तुम्हारा मन अकेले नहीं संभल पाएगा, तुम हैंडल नहीं कर पाओगे माइंड को, अपने शेड्यूल को नहीं हैंडल कर पाओ, यू नीड अ हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, तुम जाओ, अपने बच्चों को बता रहे हैं, लेकिन भगवान को बोले भगवान को प्रसन्न करना सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि सब जगह है वो, आत्मवत सर्वभूता नाम सिद्धत्वाद ये सर्वता, आप किसी से मीठे से अच्छे भाव से बात कर लो वही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किसी से प्रणाम कर लो दिल से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, मन में प्रार्थना कर लो कि सब लोग सुखी रहें, हम भगवान आपकी सेवा करना चाहते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई आपसे बोले ना कुछ काम हो तो बताइएगा, भले कुछ काम ना हो आपके पास लेकिन आप प्रसन्न हो जाए, कम से कम उसने बोला तो ये बात, उसने हमसे आके ये तो बोला कि कुछ काम भले करे ना लेकिन उसने अच्छे भाव से तो बोला कि कुछ काम हो तो बताइएगा, ये तो भगवान भाव को देख देख के प्रसन्न हो जाते हैं हर समय, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुतु सौहृदम्, इसलिए जो नीचे हो अपने उन पे दया करो, सबके साथ प्रेम, सब आदमी को अपना अर्निंग पॉइंट बनवाओ,
सबके साथ जाके ऐसा करो कि उसका अंतर्यामी तुमको आशीर्वाद दे दे, ऐसा बोला। और उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और उनके प्रसन्न होने पे क्या नहीं मिलेगा। अपना भोग कम कर दो, समय को बचाओ, जितनी व्यवहार की जरूरत हो उतना ही करो। बहुत कर लिया तुमने व्यवहार, बहुत लोगों से बातचीत कर लिया, नई जरूरत है आपको। आप सब अलग होने वाले हो, इसलिए आप भगवान का स्मरण करो, लोगों की आंख से पूजा करो, वाणी से पूजा करो, क्रोध छोड़ो, काम छोड़ो, अपेक्षा छोड़ो। एक प्रण करो कि रामायण का वो इतना 10 दोहा पाठ करेंगे, भागवत का इतना एक पन्ना चार पन्ना पाठ करेंगे, इतनी माला, एक शेड्यूल में चीज डाल दो जिससे कि मन मन के लिए एक गोल रहे। एक अपना मंत्र लिख लेंगे, जप कर लेंगे, आदर करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। इस तरह से अपने मन को तीन बात शुद्ध बनाओ, ईश्वर के साथ संबंध गया गाढ़ा करो, और तीसरा भजन सत्संग करके आत्मज्ञान प्राप्त करो और इस जेल से मुक्त हो, नहीं तो अगले जेल में जाओगे तुम, इसको अगला शरीर बोलते हैं। समय हमारा पूरा हो गया, अब हम आपसे कल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।